गुड मॉर्निंग ऑल डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू भारत वंदन क्लासेस। आज हम लोग क्लास फाइव का यूनिट सेवन का पोएम देखेंगे और पोएम का नाम है साइंस। साइंस का अर्थ होता है विज्ञान। इसके पहले मैं 18-19 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप जा कर के सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं और पूरे चैप्टर्स को स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, साइंस इज़ बोथ ए ब्लेसिंग एंड ए कर्स, कि विज्ञान एक वरदान भी है और एक अभिशाप भी है। हाउ डज साइंस हेल्प यस, साइंस किस प्रकार हमारी मदद करता है, थ्रू पेंस एंड बुक्स, कलम और पुस्तक और कलम के द्वारा। अर्थात हमारे पास आज पुस्तक है या पेन है, तो उसका वो भी साइंस का ही देन है। और हम लोग जो आपस में अभी स्टडी कर रहे हैं, जो आपस में सीख रहे हैं, ये भी साइंस का ही देन है। नो मोर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस, साइंस के महत्व के बारे में और अधिक जानिए। रीड एंड इंजॉय, रीड एंड इंजॉय, पढ़िए और आनंद लीजिए। चलिए तो हम लोग पहला स्टेंजा पढ़ते हैं। साइंस इज ए नॉलेज स्फीयर, इट इज फ्रॉम अ स्पेस टू ए टॉय नियर, कि विज्ञान एक ज्ञान का क्षेत्र है। विज्ञान क्या है, एक ज्ञान का क्षेत्र है, या तो ज्ञान का खंड है, एक ज्ञान का गोला है हम लोग कह सकते हैं। और यह स्पेस से लेकर के एक छोटे से खिलौने तक है, जो हमारे नज़दीक में एक छोटा सा खिलौना है, नज़दीक से लेकर बिल्कुल स्पेस तक, है ना, बिल्कुल अंतरिक्ष तक विज्ञान से प्रभावित है, विज्ञान की ही देन है। इट हेल्प्स अस इंजॉय आवर लाइफ्स, यह हमारे जीवन का आनंद लेने में हमारी मदद करता है। और मेक्स अस लिव इन फियर, या हमारे जीवन को डर में जीने के लिए, भय में जीने के लिए ऐसा बनाता है। अर्थात साइंस क्या करता है, हमारे जीवन को इंजॉयलेबल, इंजॉय करने योग्य बनाता है, या हमें भय के लायक भी, हम क्या है कि हमेशा हम लोग टेररिस्ट अटैक या तो साइबर अटैक के बारे में सुनते हैं, तो वो सारा विज्ञान का ही देन है। अर्थात विज्ञान के अभिशाप के रूप में देखा जाता है। तो हम लोग आखिर किसको उचित समझें। इट सेट्स द सॉन्ग्स इन ट्यून एंड प्रोवाइड्स टूल्स टू शेप आवर फॉर्च्यून, यह हमारे गाने में ट्यून सेट करता है, उसमें मदद करता है, और हमारे फॉर्च्यून को, हमारे भाग्य को, अर्थात हमारे फ्यूचर को बनाने के लिए बहुत सारे टूल्स प्रदान करता है, जिससे हमारा जीवन सरल हो जाता है और हम अपने फ्यूचर का निर्माण कर सकते हैं और करते हैं। इट टेक्स नील टू द मून, और यह नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद पर ले गया। चांद पर पहली बार कदम रखने वाले व्यक्ति का नाम था, वैज्ञानिक का नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो भी विज्ञान के देन था कि हम लोग चांद तक पहुँच गए। मेडिसिंस आर एवरी वंस बुंस, और जो मेडिसिन है वो हर किसी के लिए क्या है, एक वरदान है। मेडिसिन के कारण ही हम गंभीर बीमारियों का इलाज कर पाते हैं और स्वस्थ हो पाते हैं और लंबी जिंदगी जी पाते हैं। आई लव टू स्टडी साइंस, मैं विज्ञान पढ़ना पसंद करता हूँ। लॉ ऑफ ग्रेविटी न्यूटन्स डिफाइंस, और जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है उसे किसने डिफाइन किया था, न्यूटन्स ने, आइजैक न्यूटन ने उसकी व्याख्या की थी। गुरुत्वाकर्षण नियम वो होता है कि किसी भी वस्तु को अगर हम ऊपर से छोड़ दें तो वह नीचे की ओर ही गिरता है, इसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। इट स्पीड्स अप कम्युनिकेशन मीन्स, और यह जो है सूचना के साधनों को गति प्रदान करता है, अर्थात सूचना तंत्र को तेज करता है, जल्दी से जल्दी सूचना पहुँचाता है। इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स वाई पीसा लीन्स, और यह भी व्याख्या करता है कि पीसा की जो मीनार है वो क्यों झुकी हुई है, पीसा लीन्स। समटाइम्स साइंस थ्रेटन्स आवर एग्जिस्टेंस, कभी कभी विज्ञान जो है हमारे एग्जिस्टेंस को, हमारे अस्तित्व को ही डरा देता है। थ्रेटन्स मीन्स डराना, भयभीत करना, क्योंकि परमाणु बम या तरह तरह के मिसाइल या साइबर अटैक से हमारा जीवन हमेशा भयभीत रहता है। व्हेन इन्वेंशंस आर यूज्ड विथ इग्नोरेंस, और ऐसा कब होता है, जब हम
इन्वेंशन का गलत ढंग से प्रयोग करते हैं, अज्ञानता से प्रयोग करते हैं। एंड वेपन्स आर यूज फॉर डिफेंस, और हथियारों का प्रयोग जो है रक्षा के लिए किया जाता है। बट कैन वी लिव इन इट्स एब्सेंस, लेकिन क्या हम लोग इसकी अनुपस्थिति में जी सकते हैं, अर्थात क्या हम इस विज्ञान के बिना जीवन की कल्पना कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये पोएम समाप्त होता है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं क्लास 5 के, क्लास 6 के, क्लास 7 के और अन्य भी क्लास के वीडियोस बनाता हूँ। आप चैनल में नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक फ्रेंड्स तक पहुँचाइए। चलिए कुछ न्यू वर्ड्स को देख लेते हैं जो इस पोएम में आए हैं। इसे इंजॉय मीन्स आनंद मनाना या खुशी मनाना, फॉर्चून मीन्स भाई के, नॉलेज मीन्स ज्ञान, थ्रिएटेंस मीन्स भयभीत करना या धमकी देना, और एग्जिस्टेंस मीन्स होता है अस्तित्व, और इग्नोरेंस मीन्स अज्ञानता। इसके क्वेश्चन आंसर को भी देख लीजिए। हु वेंट टू द मून, पहला क्वेश्चन क्या है, हु वेंट टू द मून, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यहाँ तो नील दिया है, नील वेंट टू द मून हम लिखेंगे। व्हाट इज वन ऑफ द बून्स, कि वरदानों में से एक वरदान कौन सा है, तो हम लोग लिख सकते हैं मेडिसिंस, मेडिसिन इज वन ऑफ द बून्स। हु डिफाइंड लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी को किसने डिफाइन किया, तो न्यूटन ने, तो न्यूटन, यहाँ हु के जगह न्यूटन लिख देंगे, न्यूटन डिफाइंड लॉ ऑफ ग्रेविटी। फोर्थ है, व्हाट इज आवर एग्जिस्टेंस थ्रेटेंड बाय, कि हमारा जो अस्तित्व है किसके द्वारा थ्रेटेंड किया जाता है, साइंस के द्वारा, कब, जब उसका गलत प्रयोग होता है, तो साइंस इज आवर एग्जिस्टेंस थ्रेटेंड, या तो सॉरी इस प्रकार इसको लिखना है कि आवर एग्जिस्टेंस थ्रेटेंड बाय साइंस इफ इट इज यूज्ड बाय इग्नोरेंस, विथ इग्नोरेंस। कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स टेकिंग हेल्प फ्रॉम द पोएम, पोएम का हेल्प लेके इसको पूरा करना है। जैसे यहाँ स्पेस है, यहाँ ए हो जाएगा, ये है ट्यून, यहाँ एन होगा, एग्जिस्टेंस यहाँ आई हो जाएगा, और यहाँ ई हो जाएगा। ग्रेविटी, ये ग्रेविटी देख के, यहाँ मून है, सॉन्ग के साथ क्या मैच करेगा, सॉन्ग के साथ ट्यून, और टूल्स के साथ फॉर्च्यून, और नील कहाँ गए थे, मून पर, और मेडिसिन क्या है, बून है, और लॉ ऑफ ग्रेविटी किसने बनाया था, न्यूटन। तो इस वीडियो में इतना ही, अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।